आईसीसी ने बदले T20 वर्ल्ड कप के नियम, सेमीफाइनल और फाइनल में होंगे लागू, 10 ओवर का कम से कम होगा मैच। T20 वर्ल्ड कप 2022 अपने अंतिम चरण में है। आपको ये बता दें कि वर्ल्ड कप 2022 के लीग स्टेज के मुकाबले लगभग खत्म हो चुके हैं और अब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों का खेला जाना बाकी है। हालांकि सेमीफाइनल में किस टीम का मुकाबला कौन सी टीम के साथ होना है ये अभी तक एक राज की बात बनी हुई है। हालांकि जल्द ही इस तमाम राज के बातों से पर्दा उठ जाएगा। बहरहाल लौटते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की ओर। आपको बता दें कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर आईसीसी ने नियमों में कुछ बदलाव किया है। दरअसल डकवर्थ लुइस मेथड के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि आईसीसी ने जो नियम बदलाव किया है उसके मुताबिक अब कम से कम 10 ओवर का मुकाबला होगा, तब ही मुकाबले में डकवर्थ लुइस यानी कि DLS मेथड लागू होगा। यानी कि दोनों टीमें जो आमने सामने उतर रही हैं, जो सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबला खेल रही हैं, वह टीमें जब दोनों ही अपनी अपनी पारियों में 10-10 ओवर कंप्लीट कर लेंगी तब ही डकवर्थ लुइस का नियम लागू होगा। पहले यह 5-5 ओवर पूरे हो जाने के बाद भी लागू हो जाता था। इसके अलावा सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले के लिए यानी कि प्लेऑफ मुकाबलों के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। एक बार टॉस हो जाने के बाद टीम में किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। अगर सेमीफाइनल के किसी मुकाबले के दौरान बारिश आ जाती है तो अगले दिन मुकाबले को शुरू किया जाएगा। जहां पहले दिन मुकाबला रुका होगा वहीं से मुकाबला दूसरे दिन कंटिन्यू होगा। यानी कि रिजर्व डे के दौरान दूसरे दिन पहले दिन के दौरान छूटे हुए गेम से ही कंटिन्यू होगा। आपको ये बता दें कि अगर सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों ही दिन बारिश आती है और दोनों ही दिनों से बारिश से मैच बाधित होता है तो पॉइंट टेबल में नंबर एक पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। इसके अलावा अगर फाइनल मुकाबले में भी लगातार दोनों दिन बारिश आती है और डकवर्थ लुइस नियम भी लागू नहीं हो पाता है तो दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विनर घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा पहले भी हमने देखा है। बता दें कि बारिश को लेकर ही रिजर्व डे रखा गया है क्योंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के लीग स्टेज के कई मुकाबलों के दौरान बारिश के कारण टीमों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बहरहाल क्या कुछ आपकी राय है आईसीसी के इस नए नियम को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।